हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी वीडियो, वीजा, इमिग्रेशन रिलेटेड सारे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी को लेके जो निकल के आई है डिलीवरू कंपनी की तरफ से बाइक राइडर के लिए। तो डिटेल्स में हम जानेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कैसे आपको अप्लाई करना है अपने होम कंट्री से और ओवरऑल कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए, डिलीवरी राइडर में, जब बाइक राइडर में आप आते हैं तो ये कमीशन बेस्ड जॉब होता है। इस पे भी हम जानेंगे कितना कमीशन होता है और कैसे क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है। देखिए, पहले हम प्रोसेस की बात करें तो जब आप अप्लाई करते हैं अपने होम कंट्री से एज अ बाइक राइडर के लिए, तो आपके पास इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। इंडियन लाइसेंस होने से क्या बेनिफिट आपको मिलता है कि आपकी जो यहाँ पे लाइसेंस के लिए क्लासेस होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है ताकि आपको यहाँ का लाइसेंस जल्द से जल्द मिल सके। दूसरी बात, स्टार्टिंग से प्रोसेस की अगर बात करें तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाता है। चार्ज इसलिए लिया जाता है कि कंपनी आपको एंट्री परमिट इशू करती है और यहाँ पे आपका लाइसेंस का खर्चा, जितने टाइम लगता है, रहने का खर्चा सारा कंपनी वेयर करती है और फिर आपके सैलरी से डिटेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ की लाइसेंस का फीस ही 3500 दिरहम है। 3500 मतलब 60 से 70 हज़ार दिरहम केवल लाइसेंस का फीस है। उसके बाद आपका सीआईडी क्लियरेंस होता है, फिर आया बायोमेट्रिक, मेडिकल, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कंपनी वेयर करती है और कंपनी आपके सैलरी से डिटेक्ट कराती है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप खुद सारा खर्चा वेयर कर सकते हैं। जब खुद आप सारा खर्चा वेयर करते हैं तो कम पैसा लगता है, कंपनी जब वेयर करती है तो वो एक्स्ट्रा पैसा आपकी सैलरी से डिडक्ट करती है। जैसे 3500 लाइसेंस का लगा, 1000 मान लेते हैं दिनम और सारी चीज़ों में लग गया, तो कंपनी आपसे 5500 6000 डिडक्ट करेगी। और अगर आप सारा खर्चा खुद वेयर करते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपका जाता है 1.5 लाख के आसपास जाता है, आपको बाइक मिलने तक, काम स्टार्ट होने तक। अब इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है टाइम कितना लगता है। देखिए, जो जेन्युइन टाइम लगता है कम से कम 3 महीने आपके लगने ही लगने हैं। 3 से 4 महीने आपको फाइनल लग ही जाएंगे। अगर कोई एजेंट, कोई एजेंसी आपको कहती है कि नहीं 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, तो कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करें, कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड करेगा ही करेगा। इस फ्रॉड को देखने के लिए आप द आर्टिफिशियल मैन का वीडियो देख सकते हैं, कल उन्होंने एक फ्रॉड के लिए वो किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइक राइडर में बुला रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं और ऐसे जानवरों की तरह यहाँ रख रहे हैं और उनका कुछ नहीं होना है। तो प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विजिट वीज़ा पे आने का प्रयास ना करें, कहीं ना कहीं आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे और आप यहाँ के फंस जाएंगे। तो हमेशा ट्रस्टेड लोगों से संपर्क करें, पैसा लग जाए वो अलग बात है, लेकिन काम आपका फाइनली होना चाहिए। आप इंटरनली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आएँ और सारी चीज़ें प्रोसेस कराएँ। टाइम लग सकता है, पेशेंस के साथ आए, टाइम के साथ आए, कभी भी ये सोच के ना आए कि 2 महीना में बाद आपकी सैलरी आने लगेगी। ये तो हो गया ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए, डिलीवरू के ऑफिशियल साइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं आप, और इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सैलरी क्या होती है और आप कितना कमा सकते हैं। देखिए, सैलरी इसमें बेसिक आपकी 1000, 800, 1200 दिरहम होती है, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर आपको कमीशन कितना दे रहा है। उसके बाद आपका पर डिलीवरी कमीशन होता है। तो जब भी किसी मैन पावर एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी से संपर्क करें तो हमेशा कोशिश करें कि आपकी जॉब लोकेशन दुबई हो, क्योंकि दुबई में ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, सबसे ज़्यादा लोग भी रहते हैं और ऑर्डर्स भी दुबई में ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो पर डिलीवरी आपका कमीशन होता है। उसके बाद आपका फ्यूल होता है, सिम कंपनी प्रोवाइड कराती है, बाइक कंपनी प्रोवाइड कराती है, बाकी सारी चीज़ें कंपनी का हेडअप होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मिनिमम आप कैसे भी कमाएंगे, अगर आप नए नए हो तो 2500-3000 दिरहम आप आराम से कमा लोगे मंथली के। तो पैसा है, लेकिन आपको इसमें पेशेंस और टाइम देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज मैंने दूसरे मोबाइल में अपना सिम डाला है, जो आपको व्हाट्सएप देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, तो अभी 1-2 दिन बाद सबसे बात होनी चालू हो जाएगी। तो आपका कोई भी सुझाव, क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।